नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को नारद मुनि की कथा सुनाएंगे, जो कथा आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। आइए सुनते हैं नारद मुनि की कथा। एक बार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें उनके एक खास भक्त जो कि नगर के सेठ थे, उन्होंने याद किया और बुलाया। और अतिथि सत्कार के बाद सेठ ने नारद जी से प्रार्थना की, आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें कि कम से कम एक बच्चा तो हो जाए। नारद मुनि ने कहा कि तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी नारायण से मिलने जा रहा हूँ, उन तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूँगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद विष्णु धाम विष्णु जी से मिलने गए और सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं हो सकता कर सकता। उसके कुछ समय बाद नारद मुनि ने एक दिए में तेल ऊपर तक भरा और अपनी हथेली पर सजाया और पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी निर्विघ्न यात्रा का समापन उन्होंने विष्णु धाम आकर ही संपन्न किया। इस पूरी प्रक्रिया में नारद जी को बड़ा घमंड हो गया कि उनसे ज़्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं। अपने इसी घमंड में नारद जी पुनः पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुँचे। इस दौरान सेठ के घर में छोटे छोटे चार बच्चे घूम रहे थे। नारद मुनि ने जानना चाहा कि संतान किसकी है, तो सेठ जी बोले आपकी है। नारद जी इस बात से खुश नहीं थे, उन्होंने कहा क्या बात है, साफ साफ बताओ। सेठ बोला एक साधु एक दिन घर के सामने से गुजर रहा था और बोल रहा था कि एक रोटी दो तो एक बेटा और चार रोटी दो तो चार बेटा। मैंने उन्हें चार रोटी खिलाई, कुछ समय बाद मेरे चार पुत्र पैदा हुए। नारद मुनि आग बबूला हो गए और विष्णु जी को खबर लेने विष्णु धाम पहुँचे। नारद मुनि को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराह रहे थे। उन्होंने नारद मुनि को बोला मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और मुझे जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर देगा उसी से मुझे आराम होगा। नारद मुनि उल्टे पांव लौटे और पूरी दुनिया से विष्णु जी की व्यथा सुनाई, पर कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। जब नारद जी ने यही बात एक साधु को सुनाई तो बहुत खुश हो गया, उसने छुड़ा निकाला और एकदम अपने सीने में घोंपने लगा और बोला मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें दिल निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने दिल निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए और बोले जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह किसी व्यक्ति को चार पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद मुनि से यह भी कहा कि तुम सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो सेठ को भी पुत्र दे सकते थे। नारद जी को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ। आपको नारद मुनि की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।